बार्सिलोना में हुए स्मार्ट सिटी एक्सपो में भी इंदौर का जलवा कायम रहा। इसमें शामिल 1000 देशों के प्रतिनिधियों के बीच इंदौर पर स्वच्छता मॉडल की चर्चा रही। यहां दिखाई गई हाईटेक टेक्नोलॉजी में LED, सोलर और ट्रैफिक ऑटोमेशन को इंदौर में लाने का प्रयास किया जाएगा। इस एक्सपोर्ट में इंदौर से शामिल हुए निगम आयुक्त आशीष सिंह ने बताया कि साउथ एशिया के काउंटर पर इंदौर के क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया के नाम से प्रेजेंटेशन दिया गया। कई देशों के प्रतिनिधियों ने इंदौर से मॉडल को समझा कि कैसे इंदौर ने सफाई में इतनी लंबी छलांग लगाई है। निगमायुक्त ने बताया कि इंदौर के लिहाज से सबसे फायदे की टेक्नोलॉजी LED लाइट्स की मिली है। वहां दिखाई गई इन्वेंशन में सोलर सिस्टम और ट्रैफिक ऑटोमेशन की तकनीक भी इंदौर को फायदा दे सकती है, इसलिए इंदौर के हिसाब से डिजाइन कर प्रेजेंटेशन के लिए संबंधित कंपनियों को बुलाया गया। देखिए, स्पेन में जो बार्सिलोना में स्मार्ट सिटी एक्सपो होता है और ये एक एनुअल इवेंट होती है। हर साल वहाँ पर इस एक्सपो का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश से लगभग 1000 से ज़्यादा शहरों से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इंदौर इंडिया के लगभग 30 सिटीज़ ने और चाइना की लगभग 100 सिटीज़ ने इस बार भी शिरकत इसमें की थी। इसमें सबसे अच्छी बात ये रहती है कि स्मार्ट सिटी के क्षेत्र में जो नई नई टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही हैं उनके संबंध में वहाँ पर प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है और कई सारे लेक्चर्स भी रहते हैं और व्याख्यान भी रहते हैं, जिनके माध्यम से हम लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो हम लोग अभी LED का एक पूरे शहर को 78,000 LEDs हम लोग चेंज करने का जो हमने टेंडर निकाला हुआ है, उस संबंध में बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी वहाँ पर देखने को मिली है। उस संबंध में जो यहाँ के प्रीबिड में बीडर्स उपस्थित हुए थे, उनको आज मैंने बुलाया भी है कि उस टेक्नोलॉजी को कैसे हम लोग इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। वो टेक्नोलॉजी बहुत एनर्जी सेविंग वाली टेक्नोलॉजी है, तो अगर उसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर पाए तो मुझे लगता है वो प्रत्यक्ष सफलता होगी इस स्मार्ट सिटी एक्सपो की। इसके अलावा सोलर से संबंधित और ट्रैफिक के ऑटोमेशन से संबंधित भी कई सारी टेक्नोलॉजी जो है वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी दिखी हैं। उनको भी मैंने रिक्वेस्ट करी है कि इंडिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से वो क्या क्या प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं, उस संबंध में यहाँ आके वो लोग प्रेजेंटेशन देंगे। तो मुझे लगता है कुल मिला के 2-4 अच्छी चीज़ें स्मार्ट सिटी एक्सपो के फलस्वरूप इंदौर में इम्प्लीमेंट होंगी। सबसे इंडिया के सबसे क्लीनेस्ट सिटी के कमिश्नर होने के नाते वहाँ गए हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ वहाँ हुई, वहाँ उस चीज़ को अप्रिसिएशन मिला, किस चीज़ का इंदौर का वहाँ कुछ? देखिए, निश्चित रूप से जो मतलब इंडिया का काउंटर था या फिर जो साउथ एशियन जो कंट्रीज थे उनका जो काउंटर था, वहाँ पर इंदौर को लेके एक बहुत लोगों में जिज्ञासा थी कि कैसे इंदौर ने इतना बड़ा मुकाम जो है वो हासिल किया है। संबंध में कई सारे लोगों ने जानकारी भी ली, जिसको मेरे द्वारा भी दिया गया और प्लस कुछ एक प्रेजेंटेशन भी थी, उसको भी लोगों के साथ में शेयर किया गया।